हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गुंजन पंत की रसोई। आज मैं व्रत में खाया जाने वाला फलाहारी आलू का हलवा बनाने जा रही हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आज एकादशी है, तो एकादशी के दिन ये हलवा आराम से खा सकते हैं, क्योंकि एकादशी का व्रत फलाहारी व्रत होता है। उसके अलावा जो भी आप फलाहारी व्रत करें उसमें ये खा सकते हैं आलू का हलवा बना के। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिए है 3 उबले हुए आलू, जिनको मैंने इस तरीके से इससे पूरा मैश कर दिया था। आप पूरा मैश कर दीजिएगा, इसमें गुठलियां नहीं रहनी चाहिए। आलू अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैंने 3 उबले आलू लिए हैं। चीनी अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, मीठा ज्यादा पसंद करते हैं ज्यादा। मैंने आधी कटोरी चीनी ली है और आधी कटोरी मैंने घी लिया है। इसको घी में ही बनाइएगा, क्योंकि हमें व्रत का बनाना है। और ये इलायची ली है, इलायची को उसके अंदर के बीज ले रखे हैं। यहाँ पे ये बादाम और चिरौंजी ली है, बादाम को कट कर लिया। अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। आइए शुरू करते हैं बनाना। बहुत जल्दी बनने वाला और बहुत टेस्टी हलवा है ये, जिसे कि व्रत में बना सकते हैं। आपके पास व्रत में एक ऑप्शन और हो जाएगा कुछ खाने का, नवरात्रि के व्रत हो या फिर आपका एकादशी हो या कोई और अगर व्रत करते हो तो उसमें आप खा सकते हैं इसको आराम से। हमारा ये यहाँ पे घी डाल दिया है, घी मेल्ट होने देंगे अच्छे से। जैसे घी मेल्ट हो उसमें हम ये आलू डाल देंगे। ये घी गर्म हो गया तो यहाँ पे जो आलू हमने लिए हैं उबले हुए, इनको डाल देंगे सारे इस तरीके से। और ये आलू डालने के बाद इसको अच्छे से पूरा ऐसे मिलाएंगे। गैस के पे मीडियम रखिएगा, हाई फ्लेम पे मत रखिएगा बिल्कुल भी। और कोशिश करिएगा नॉन स्टिक बनाने की, ताकि उसमें स्टिकी ना हो वो बिल्कुल भी। अब यहाँ पे देखिए घी इसमें अच्छे से मिल गया है पूरा। इसको हमें कम से कम 8 से 10 मिनट भूनना है। बिल्कुल जैसे सूजी के हलवे का कलर आ जाता है वैसा ही इसका कलर आ जाएगा, वैसा ही टेक्स्चर आ जाएगा, बिल्कुल सूजी के हलवे की तरह। तो इसलिए भूनिएगा अच्छे से इसको। जितना आप भूनेंगे उतनी अच्छी खुशबू आएगी, उतना ही अच्छा टेस्ट भी आएगा इसका। तो 7 से 8 मिनट कम से कम इसको मीडियम या लो फ्लेम पे भुनेंगे हम लोग। देखिए अभी ये भुना नहीं है अच्छे से, अभी इसमें भुनने में कसर है। और सबसे मेन चीज ध्यान रखिएगा, इसमें आलू में बिल्कुल भी गुठलियां ना हो आपकी। अच्छे से जब आप मैश करें तो मैश अच्छे से करिएगा इसको, वरना गुठलियां फिर इसमें आएंगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा। उसको अच्छे से चलाना है अभी, अभी इसको भूनने में और टाइम है। देखिए 5 मिनट मुझे हो गए भूनते भूनते, अभी मैं इसको 5 मिनट और भूनूंगी। यहाँ पे जब 5 मिनट आधा भून जाए आपका, तो ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने लिए थे वो हम डाल देंगे। और ये मैंने इसमें डाल दिए हैं इलायची, और इसको अभी मैं भूनूंगी 5 मिनट और पूरा। देखिए भूनते हुए 8 मिनट हो चुके हैं, और इसका कलर भी आप देख सकते हैं चेंज हो गया है, और इसने कढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी है। तो यहाँ पे इसमें मैं ऐड करूंगी चीनी। अब मीन्स हमारा ये आलू जो है अच्छे से भून चुका है, तो यहाँ पे चीनी मिला दूंगी इसमें मैं, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। क्योंकि चीनी बनाने के बाद अभी थोड़ा सा ये पानी से छोड़ने लगेगा, इसको पूरा अच्छे से मिक्स करना है इस तरीके से। और अभी इसमें 1-2 मिनट उसको और चलाएंगे हम। तो ये देखिएगा अब यहाँ पे ये जो चीनी है पूरी अच्छे से मिल गई है इसमें, और पानी भी छोड़ दिया है उसमें, बिल्कुल आलू सूख गए। अब यहाँ पे मैं हाई फ्लेम पे इसको बस थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट से भी कम, इसको हाई फ्लेम पे बिल्कुल चलाएंगे इस तरीके से, ताकि वो जो हल्का सा भी अगर कच्चापन कुछ होगा, वैसे तो हमने इतना भून लिया है कि मतलब ही नहीं उठता कच्चापन का, लेकिन पूरा एक बार फुल फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे इसको हम अच्छे से चला लेंगे। तो ये देखिएगा हलवा बनके बिल्कुल रेडी है। इसको मैं थोड़ा सा इसमें एक उसमें निकाल लेती हूँ कटोरी में, थोड़ा सा डेकोरेटिव वे में निकालने के लिए मैं पहले यहाँ पे कटोरी जो है इसमें अच्छे से हम इसको फिल कर देंगे ये, और यहाँ पे इसको अच्छे से दबा लेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक प्लेट ले रखी है इस प्लेट पे, इसको हम ऐसे करके टर्न करेंगे। ये देखिएगा हमारा ये हलवा बनके रेडी है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए इसमें बादाम डाल देती हूँ, अपने अकॉर्डिंग अगर जो भी चाहे वो डाल सकते हैं ये। तो ये हमारा व्रत का फलाहारी आलू का हलवा बनके बिल्कुल रेडी है। इसको व्रत में खाइएगा आप, खाने में भी अच्छा लगता है और बनाना भी इसको बहुत आसान है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।